किसी भी प्रकार के कंफ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। TVRL के कार्यक्रम में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री और CDS विपिन रावत ने कई बड़ी बातें कही हैं। ये सुनकर जहां दुश्मन खेमे में हलचल मच जाएगा, वहीं भारत के नागरिक अपने देश के इस संस्थान पर फक्र करेंगे। एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के तमाम देशों के बीच होड़ मची है, ऐसे में भारत के पीछे रहने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। देश के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में देश को बता दिया है कि भारत आने वाले वक्त में और कितनी जबरदस्त प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो देश की सीमाओं को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही उन्होंने देश के दुश्मनों को भी साफ साफ चेताया है कि भारत हर तरह की परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार है। भारतीय सेना की अहमदनगर रेंज में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। इस वॉरहेड की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर का चयन किया गया है। मैं श्री सत्य नारायण उवाल, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और निदेशक TVRL के साथ TOT लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सचेंज करें। धन्यवाद श्रीमान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि TVRL की स्थापना वर्ष 1961 में वॉरहेड्स एवं उन्नत अस्त्र प्रणालियों के विकास एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक बैलिस्टिक पैरामीटर्स के निर्धारण हेतु की गई थी। पिछले गत 60 वर्षों में TVRL आर्मेंट तथा मिसाइल सिस्टम्स के लिए महत्वपूर्ण एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और वॉरहेड सिस्टम के डिजाइन का प्रमुख केंद्र बन गई है। चूंकि इन वॉरहेड सिस्टम्स को अत्यंत विकट पर्यावरणीय परिस्थितियों में संचालित करना होता है, इसलिए वर्ष 2004 में TVRL में इन्वायरमेंटल टेस्ट फैसिलिटी की स्थापना की गई। यहां TVRL द्वारा विकसित किसी भी सिस्टम को एक्सट्रीम टेम्परेचर, वैक्यूम, ह्यूमिडिटी, शॉक, एक्सेलरेशन तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट में टेस्ट किया जा सकता है। ये सुविधा मौजूदा वॉरहेड सिस्टम की यूजफुल लाइफ गैप करने तथा लाइफ एक्सटेंशन के लिए भी उपयोग की जाती है। राष्ट्र की समकालीन रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए TVRL ने 107 करोड़ रुपए की परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय जांच सुविधाओं में वृद्धि की है। प्रचलित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मानकों के अनुसार वॉरहेड सिस्टम के मूल्यांकन हेतु क्लाइमेटिक, डायनेमिक और EMI, EMC, EMP जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस कार्यक्रम में CDS जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें TVRL पर बहुत गर्व है, क्योंकि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे हमारे सशस्त्र बलों को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। अभी हमारे सामने सीमाओं पर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली की आवश्यकता है, जो सभी तीन सशस्त्र बलों की क्षमता को और बढ़ा सके। हमारे प्रतिद्वंदी युद्ध में बहुत तेजी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी उनका सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि TVRL यानी कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है क्या। दरअसल ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की एक प्रयोगशाला है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। चंडीगढ़ में स्थित ये प्रयोगशाला आयुध अध्ययन के क्षेत्र में DRDO की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक है। TVRL बुलेट प्रूफ पैनल, बुलेट प्रूफ जैकेट, विस्फोटक और एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रौद्योगिकी का निर्माण कर भारत की सैन्य क्षमता को आगे बढ़ाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।